culture, environment and beauty. Okay. आप देख रहे हैं आज जो ओपनिंग सेरेमनी है और ऑक्शन सेरेमनी है मार्कवर्ड चैंपियंस लीग की, उसमें यहाँ पर गेस्ट की आमद का सिलसिला जारी है और इस वक्त हमारे साथ एक डिस्टिंग्विश गेस्ट हैं, इनसे बात करते हैं आज़म बख्शी जो कि फॉर्मर मिनिस्टर भी रहे हैं कल्चर एंड एनवायरनमेंट के। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको यहाँ पर और ऑक्शन हो रही है और चैंपियंस लीग बड़ा इवेंट और आप देख रहे हैं आमद का सिलसिला जारी है और इस वक्त हमारे साथ जारी है, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर? आप देखें जी, पहली बात है कि ऐसे इवेंट जो है वो बड़े पॉजिटिव इमेज देते हैं और मेरा ये ख्याल है कि ऐसे इवेंट्स को हमें महदूद नहीं। सर आप इस साइड। थोड़ा सा माइक आगे। मार्कवर्ड चैंपियंस लीग जी वेज, इस वक्त मेरे साथ हैं फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर जिन्होंने सिर्फ 14 साल की उम्र में टेस्ट डेब्यू किया पाकिस्तान से और एक हिस्ट्री क्रिएट की और आज जब एक और हिस्ट्री बनने जा रही है पाकिस्तान में टेप बॉल क्रिकेट के हवाले से, मार्कवर्ड चैंपियंस लीग का ऑक्शन है उसमें यहाँ पर मौजूद हैं और एक टीम के मेंटोर भी हैं हसन रजा। हसन, सबसे पहले वेलकम करते हैं आपको, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। और बचपन याद आ गया टेप बॉल में जब हम लोग खेलते थे तो ये फॉर्मेट इतना ज़बरदस्त है, जिस तरह T20 हो रही है और टेप बॉल क्रिकेट पूरे पाकिस्तान में हो रही होती है तो अच्छा इनिशिएटिव है। स्पेशली जियो सी पर जो है वो ब्रॉडकास्टिंग लाइव कर रहे हैं तो इसमें से प्लेयर बनेंगे, अच्छे प्लेयर परफॉर्मेंस देंगे और एनर्जेटिक प्लेयर्स खेलेंगे और अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। मार्कवर्ड चैंपियंस लीग की मैनेजमेंट के हवाले से आप देखते हैं कि फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर हैं, आपके कॉलीग्स हैं, अब उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया तो पाकिस्तान में जो टेप बॉल क्रिकेट का टैलेंट है अब उसको नेशनली और फिर इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज किया जाएगा। डेफिनेटली, क्योंकि श्रीलंका में देखा है टेप बॉल होती है, एशिया में और दुबई में बहुत ज़्यादा टेप बॉल होती है, मैंने देखा है खुद वहाँ पर गया हूँ मैं, तो ऐसे पाकिस्तान में प्लेटफॉर्म होना चाहिए, टेप बॉल को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, उसमें से प्लेयर निकलते हैं अच्छे और दुनिया में बेसिकली टेप बॉल ऐसी चीज़ है कि हर स्ट्रीट पर खेली जाती है और बड़े बड़े नाम है टेप बॉल के, प्रोफेशनली खेलते हैं वो, उनके बैट्स उनके इक्विपमेंट भी अच्छे होते हैं और बहुत आई कोऑर्डिनेशन अच्छा होता है बैटर। हम लोग जब हार्ड बॉल खेलते हैं तो वो डिफरेंट बॉल है और टेप बॉल ऐसी चीज़ है कि उसमें फुल फोर्स से खेलना पड़ता है आपको। और आप भी एक टीम के मेंटोर हैं तो आप देख रहे हैं कि बहुत ज़बरदस्त तरीके से इन सब चीज़ों को मैनेज किया गया है, टीम्स का ऑक्शन हो रहा है जी, जी। इसको कैसे देख रहे हैं? अभी ड्राफ्टिंग हो रही है, हम लोग ड्राफ्टिंग पे यहाँ पर आए हुए हैं और हमारे क्लिक जैसे आपने बताया राना नवीद अपनी अकेडमी चला रहे हैं शेखपुरा में, मैं इस्लामाबाद में अपनी अकेडमी चला रहा हूँ तो हमारे भाई हैं और बहुत सारे लोग हैं, अब्दुलरहमान खुद है, खलील हैं, टेस्ट प्लेयर हैं, सारे ऐसे लोग हैं जो खुद फ्रंट पर आके ये चीज़ें कर रहे हैं तो आई होप कि अच्छा इनिशिएटिव होगा और स्पॉन्सरशिप अच्छी होनी चाहिए, हाईलाइट अच्छा में लोग देखें और क्राउड भी आए एंजॉय करें इसको और आपकी सपोर्ट और सारी चीज़ें साथ रहेंगी। डेफिनेटली मेरे साथ इंशाल्लाह मेरी सपोर्ट भी रहेगी और वॉच भी करूंगा, मैच जाके देखूंगा भी और लव टू वॉच प्लेयरों को देखना और इतनी एनर्जेटिक क्रिकेट टेप बॉल की मजा आएगा, चौके छक्के लगेंगे। थैंक यू, प्लेजर, थैंक यू। अब ये हम बात कर रहे थे फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर और वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हसन रजा से, सो कीप वॉचिंग।
ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣਾ ਨੇ ਉਹ ਸੰਗਰਾਲ ਨਾ ਹਾਂ ਸੰਗਰਾਲ ਗਏ ਸਨ ਹਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਸਲ ਫਾਈਨਲ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਚਾਚਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੋਟ 40 ਕਰਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰੱਖੋ ਚਾਚਾ ਜੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਖਿੱਚਦੀ ਮੇਰੀ ਤੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਖਿੱਚੀਓ ਦੋ ਤਿੰਨ ਖਿੱਚਦੀ ਹੋ ਚਾਚਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਏਡੀ ਦੂਰੋਂ ਆ ਗਏ ਇਹ ਆਏ ਨੇ ਚੱਕਵਾਲ ਤੋਂ ਹਾਂ ਪੂਰਮ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਮੁਲਤਾਨ ਇਕੱਠੇ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਹੈਲੋ 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 ਦਾਊਦ ਬੂਚ ਹੇਅਰ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਹੈਂਡ ਫਰੀ ਲਗਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈ ਹੈਲੋ ਦਾਊਦ ਬੂਚ ਹੇਅਰ ਹੈਲੋ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਡੀਓ ਵੋਈ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਈ ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਲੱਗਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾ ਆਵਾਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਉੱਧਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਇੰਟਰਵਿਊ सर थोड़ा सा इस साइड पे हो जाइएगा थोड़ा सा जी व्यूअर्स और इस वक्त
मार्कोट चैंपियंस लीग की जो ड्राफ्टिंग है उसका सिलसिला जारी है और मेरे साथ इस वक्त पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर और ऑलराउंडर राणा नवीदुल हसन हमारे साथ हैं। इनसे बात करते हैं, ये एक टीम के मेंटर भी हैं। राणा नवीद, सबसे पहले आपका शुक्रिया। और आप कैसे देख रहे हैं इस एफर्ट को कि पाकिस्तान में पहली दफ़ा टेप बॉल क्रिकेट की इतने बड़े लेवल पर लीग होने जा रही है? आई थिंक इसका क्रेडिट खलील और उसकी टीम को देना चाहिए क्योंकि उन्होंने लास्ट ईयर करवाई थी, लेकिन वो बहुत बड़ा इवेंट था और मैंने खुद देखे भी उसके लाइव मैचेस उसके ऊपर सोशल मीडिया पे। आई थिंक बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव है। जितने भी हमारे यंगस्टर्स हैं, आपको पता है कि हम समझते थे क्योंकि हम लोग भी गली मोहल्लों से टेप बॉल और टेनिस बॉल खेल के ऊपर आए, और जैसे आपके सामने कुछ मिसालें हैं, आरिस रऊफ है, कर्नल जाहिद हैं जो अभी लोअर कलंदर में भी हैं, दिलबर हैं, और काफ़ी प्लेयर ऐसे हैं जो ऐसे प्लेटफॉर्म से ऊपर आए। तो आई थिंक बड़ा बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है मोहम्मद खलील ने और उनकी टीम ने कि बहुत ज़बरदस्त एक इतना बड़ा इवेंट जो कि पहली दफ़ा टेबल जो है वो जियो सुपर पे लाइव दिखाने जा रहे हैं और नाइट मैचेस हैं। बड़ा एक्साइटेड टूर्नामेंट होगा और जितने भी हमारे यंगस्टर्स हैं उनको देखेंगे, क्रिकेट में आएंगे और वो पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। और जैसे आप एक टीम के मेंटर हैं, सारी टीम्स के जो मेंटर्स हैं वो टेस्ट क्रिकेटर्स हैं, इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हैं, इससे कितना फ़ायदा होगा? आई थिंक ये देखें, एक जब भी आप किसी चीज़ के लिए जाते हैं जैसे एज ए मेंटोर इस इवेंट में हम लोग बैठेंगे, डेफिनेटली जितने भी हमारे यंगस्टर्स या जो सीनियर प्लेयर खेल रहे होंगे उनसे डेफिनेटली जो बच्चे हैं काफ़ी कुछ उनके साथ जब शेयर करेंगे, अपना एक्सपीरियंस हम लोग उनके साथ शेयर करेंगे तो उनको काफ़ी फ़ायदा होगा, ना कि सिर्फ क्रिकेट में, उनकी जो लाइफ स्टाइल है उसमें भी और उनका जो रहन सहन है उसके ऊपर भी, क्योंकि हम लोगों ने काफ़ी सर्व किया है पाकिस्तान के लिए। जितने भी हमारे मेंटोर्स हैं, इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हैं, टेस्ट क्रिकेटर्स हैं, वो यहाँ पे आए हैं, उससे काफ़ी हौसला अफजाई होगी बच्चों की। और ये जो क्रिकेटर्स हैं जो टेप बॉल क्रिकेट खेलते हैं, इनको पहले रिकग्नाइज़ नहीं किया जा रहा था नेशनल लेवल पे, लेकिन ये जो एफर्ट है इससे तो ऐसा लगता है कि ये इंटरनेशनली भी रिकग्नाइज होंगे। जी देखिए जी, कोई भी इवेंट है जो भी टीवी पे आता है, जैसे कराची में रमज़ान क्रिकेट होती थी, वहाँ से कोई क्लब क्रिकेटर भी कोई परफॉर्म करता था वो नज़रों में आ जाता था। ये ऐसा प्लेटफॉर्म है, इसमें जो भी परफॉर्म करेगा तो डेफिनेटली जितनी भी हमारी फ्रेंचाइजर्स हैं PSL की, या जितने भी हमारे जो 6 रीजन्स बनाए गए हैं या 6 सूबों की टीमें बनाएंगी, उनके कोचेज, उनके जो मालकान हैं वो उनको देखेंगे तो उनको मौका मिलेगा। आई थिंक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। एक मिनट, ये वो ख़त्म करें ना मैं। करूँ, स्टार्ट करूँ। और नवीद, ये जो हम देख रहे हैं कि जो स्पॉन्सर्स इनको मिल रहे हैं और जिस तरह बिजनेसमैन और दूसरे लोग, पॉलिटिशियंस, हर तबके के लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं, ये कितना ज़रूरी है? आई थिंक किसी भी इवेंट को कामयाब करने के लिए और उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए ऐसे लोगों की बहुत असल ज़रूरत होती है, और जिन्होंने इस टूर्नामेंट को स्पॉन्सर्स किया मैं उनको भी सलूट करता हूँ, क्योंकि जिस तरह का सिनेरियो और कोविड की वजह से हमारे पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं हो रही बल्कि पूरी दुनिया में नहीं हो रही, तो ऐसे इवेंट ऑर्गेनाइज करने में आई थिंक उनका एक बहुत बड़ा रोल है, और अगर वो ना होते तो ऐसे टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ करना बड़ा मुश्किल होता है। तो आई थिंक मैं क्रेडिट देता हूँ उनको कि जितने भी हमारे स्पॉन्सर्स हैं इस टूर्नामेंट में, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए और उनको आई थिंक आगे लेके आना चाहिए ताकि वो और भी जितने भी आगे आने वाले इवेंट्स हैं उनमें स्पॉन्सर करें और अपना पूरा तावन करें ताकि ये ऐसे इवेंट कामयाब हो और जितने भी हमारे यंगस्टर्स हैं उनकी माली हेल्प भी हो और वो क्रिकेट में आएँ और ग्राउंड्स में आएँ। आप फील कर रहे हैं कि ये जिस लेवल पे टूर्नामेंट होने जा रहा है, आगे जो T20 फ्रेंचाइजेस लीग्स हैं या T10 हैं या सुपर सिक्सेस होते हैं, अब उससे यहाँ से टैलेंट मिलेगा? डेफिनेटली जी, डेफिनेटली जो भी इस प्लेटफॉर्म से परफॉर्म करेगा उसको आगे मौका ज़रूर मिलेगा। आई थिंक मैं रेकन करता हूँ कि ऐसे ही इवेंट होने चाहिए जिनसे एक प्लेटफॉर्म होता है ना किसी भी यंगस्टर के लिए या किसी भी प्लेयर्स के लिए, उसको मौका मिले और वो उसको अवेल करे और वो पाकिस्तान के लिए खेले एक दिन, तो आई थिंक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। और आपकी सपोर्ट और आपका जज्बा इस लीग के साथ रहेगा? बिल्कुल जी, इंशाल्लाह एंजॉय करेंगे और जो भी हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो शेयर करेंगे और एंजॉय करेंगे। आई होप कि ये टूर्नामेंट बहुत अच्छा जाए और कामयाब हो। आप जितनी भी इनके साथ टीम्स हैं, आप लोग इंक्लूडेड मीडिया एज वेल, तो आई थिंक इनका बड़ा रोल है। मैं तारीफ़ करता हूँ आप लोगों की भी कि आप लोग ऐसे इवेंट को, टेप बॉल को ख़ासतौर पर आप इसको हाईलाइट कर रहे हो, वो आपको सलूट है, और जितने भी यहाँ पे ऑर्गेनाइजर्स हैं उनकी आई थिंक बहुत अच्छी कोशिश है। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू जी, थैंक यू।
और व्यूअर्स आप देख रहे थे राणा नवीदुल हसन, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, अपने तासुरात बता रहे थे मार्कोर चैंपियंस लीग के बारे में। One, two, three. Hello, one, two, three. This is K. Asif. Hello. Hello. Can you hear me? This is K. Asif. Hello. Hello.
You're on right and I'm the left. Okay. Ladies and gentlemen, please sab log baith jaye taki hum is show ka baqaida aghaaz kar sake. Aap log ki cooperation chahiye hogi hame. Shor nahi kijiyega aur apne mobiles please agar aap silent pe kar le. सब लोग अपनी अपनी जगह ले लें, बैठ जाएं सब आराम से, काफ़ी जगह है, पीछे तक खाली है. चंद ही लम्हों में हम बाकायदा आगाज़ करने लगे हैं और आपका जो तावन है वो दरकार है. ये पीछे जो हजरात खड़े हैं, बिल्कुल सब बैठ जाएं. और अपने फोन्स प्लीज़ आप लोग साइलेंट पे अगर कर लें तो वो बेहतर हो जाएगा. अच्छी ऑडियंस है हमारी, सब बैठ गए हैं. क्योंकि क्रिकेट जो है वो डिसिप्लिन सिखाता है, हमें आज बिहेव करना है. और इसमें वैसे आपने कभी क्रिकेट खेली है? सब लोग मुझसे ये सवाल पूछते हैं, यार मैं देखी है बचपन से क्रिकेट, खेली है स्कूल में, मैंने खेली है. लेकिन आपको जितना नॉलेज है क्रिकेट का, आई एम नॉट श्योर कि आप क्रिकेटर ना रही हो. मैंने खेली है बचपन में स्कूल में, लेकिन मैं एक काफ़ी ब्राइट स्टूडेंट थी, तो मेरे घर वाले चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूँ, जो कि मैं नहीं बनी और मैं स्पोर्ट्स एंकर बन गई हूँ. लेकिन आप क्रिकेट डॉक्टर ज़रूर बन गए हैं. कहा जा सकता है, एक हद तक कहा जा सकता है. सॉरी I'm not getting you. समझ नहीं आ रही आपकी. ओके, वॉल्यूम थोड़ा लाउड. ओके, आपके क्यू से स्टार्ट करूंगी मैं. आई विश कि मैं भी टेबल क्रिकेट खेलता. इमरान नज़ीर नहीं आया पर. हाँ? इमरान नज़ीर नहीं आया हुआ. सॉरी, इमरान नज़ीर नहीं आया. हाँ नहीं, इमरान नज़ीर नहीं आया, शाहिद नज़ीर भी नहीं. आप मेरी राइटिंग पढ़ लोगी? अपनी पढ़ लेती हूँ, आपकी भी पढ़ लूँगी. Assalamu alaikum ladies and gentlemen, we welcome you to this beautiful evening. जैसा कि आप सबको पता ही है कि आज drafting event ceremony है Marhor Champions League के लिए. और क्या ये खूबसूरत शाम है ये आज. और आपकी इस खूबसूरत शाम को मजीद खूबसूरत बनाने के लिए मैं हूँ आपकी होस्ट इस्मा असलम, और मेरे साथ मौजूद हैं के आसिफ. आसिफ कैसा लग रहा है आपको आज? बहुत अच्छा लग रहा है इस्मा के पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर स्टार्स यहाँ पर मौजूद हैं, और एक ऐसी शाम है जहां पर हिस्ट्री क्रिएट होने जा रही है पाकिस्तान की तारीख में. ऐसा इवेंट पहले कभी भी नहीं हुआ कि जहां पर टेप बॉल क्रिकेट के लिए ऑक्शन किया जाए, प्लेयर्स ड्राफ्टिंग हो और यहां पर उनके मेंटोर्स बैठे हो. सो आई थिंक ये एक रिमार्केबल चीज है. एग्जैक्टली, आई थिंक हिस्ट्री क्रिएट होने जा रही है, स्पेशली अगर हम बात करें टेप बॉल क्रिकेट की. तो हम तकरीब का बाकायदा आगाज करेंगे तिलावत कलाम पाक से, और उसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं कारी मोहम्मद अयूब साहब. उसके बाद नेशनल एंथम होगा और फिर हम जो है तकरीब का बाकायदा आगाज़ करेंगे. तो मैं दावत देती हूँ मोहम्मद अयूब साहब को कि वो आएँ और तलावत कुरान पाक जो हैं वो हमारे सामने करें. आप इसमें बोलेंगे أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث
مبسوس وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما صدق الله العظيم यहाँ से नेशनल एंथम जाएगा नेशनल एंथम जाएगा ना हम अनाउंस करके आए नेशनल एंथम जी मैंने अनाउंस कर दिया था साथ ही सब लोग खड़े हो जाएं ये तो अनाउंस करना है एक मिनट आ जाए इसमें जज़ाकअल्लाह ये थे कारी साहिब जो कि तिलावत कलाम पाक पेश कर रहे थे और अब मैं गुजारिश करूँगा कि नेशनल एंथम पेश किया जाएगा तमाम ख़वातीनों हज़रात से गुजारिश है कि वो खड़े हो जाएं कौमी तराने के एहतराम में जी इस्मा जिस तरह के आज की जो शाम है वो नाम है टेप स्टार जो है टेप क्रिकेट बॉल के जो स्टार्स हैं उनके नाम और जो मार्कोट चैंपियंस लीग है इस्मा ये इसमें 8 टीम्स हैं और मज़े की बात ये है कि इसमें टोटल 508 खिलाड़ियों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जिसमें डायमंड के लिए जो है वो 66 प्लेस थे सिल्वर के लिए 166 थे गोल्ड के लिए 99 थे इमर्जिंग के लिए 191 प्लेस थे जिन्होंने ऑक्शन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की उन्होंने अपने आप को अवेलेबल शो किया कि हम जो है वो इस लीग में खेलना चाहते हैं और क्यों ना खेलना चाहें क्योंकि यू नो टैलेंट इतना है पाकिस्तान में हम लोग हमेशा ये बात करते हैं कि पाकिस्तान में टैलेंट बहुत ज़्यादा है उनको शायद उस तरह से चांस नहीं मिलता है अपने टैलेंट को दिखाने का शोकेस करने का लेकिन अब अगर हम बात करें तो अल्लाह का शुक्र है इतना कुछ हो रहा है हमारे मुल्क में स्पेशली व्हेन यू टॉक अबाउट स्पोर्ट्स तो इतना कुछ हो रहा है तो उसी का ये एक यू नो सुनहरी बाब है मार्कोट चैंपियंस लीग इसमें भी लोगों को चांस दिया जा रहा है अपना टैलेंट शोकेस करने का और सबसे बड़ी बात चांस तो मिल जाता है लेकिन वही एक बात कि यू नो ज़िंदगी गुजारने के लिए भी तो कुछ चाहिए तो इस यू नो लीग में उसके साथ साथ पैसा भी मिल रहा है लोगों को तो ये बड़ी इंकरेजमेंट होती है प्लेयर्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एक खतीर रकम रखी गई है
प्लेयर्स के लिए, और ऑफकोर्स इसका क्रेडिट जाता है स्पॉन्सर्स को जो को नेशनली भी हैं और इंटरनेशनली भी हैं, कि एक वक्त था कि जब ये इमेजिन किया जाता था कि टेप बॉल क्रिकेटर्स भी क्या कोई पैसा कमा सकेंगे. सो आई थिंक ये क्रेडिट जाता है, और बिग राउंड ऑफ क्लास फॉर दी मोहम्मद खलील फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर एंड अब्दुलरहमान, इनके लिए ज़रूर तालियाँ बजाइएगा, इनकी बहुत बड़ी एफर्ट है. और इनके साथ साथ जो भी स्पॉन्सर्स हैं उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं, और क्यों ना मौके से फ़ायदा उठाया जाए और जो सीईओ हैं उनको यहाँ बुलाया जाए, उनसे गपशप की जाए. सो मैं इनवाइट करूँगा सीईओ मार्को चैंपियंस लीग मोहम्मद खलील फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, आप स्टेज पर आइए, आपका आपसे गपशप करने का दिल कर रहा है मोहम्मद खलील. सिर्फ मोहम्मद खलील को ही नहीं बुलाना चाहूँगी मैं चाहूँगी कि हमें अब्दुलरहमान भी अगर ज्वाइन कर लें स्टेज पे, डायरेक्टर हैं वो इस चैंपियंस लीग के. बिल्कुल. सलाम. मैं यहाँ पे कुछ ऐड करना चाहूँगी. मैंने देखा है इन लोगों को कितनी मेहनत की है इन लोगों ने इस लीग के लिए, इस इवेंट के लिए जो आज हम यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो डे जो इवनिंग हम सेलिब्रेट कर रहे हैं उस के पीछे इन दोनों की कितनी मेहनत है. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम आप सब लोगों को, और बहुत शुक्रिया आप लोग यहाँ पे आए. मार्कफोर्ड चैम्पियन लीग ये हमारा भी एक ऐसा, मैंने भी क्रिकेट टेप बॉल से स्टार्ट की है, पाकिस्तान के भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो अभी भी टेप बॉल से PSL और बहुत सारी चीज़ें खेलते हैं. वो ऐसा प्लेटफॉर्म है कि ये गली मोहल्ला हर स्ट्रीट पे खेली जाती है और क्रिकेट हर घर में पसंद की जाती है. तो इसके लिए कोशिश की है कि पाकिस्तान में टेप बॉल एक मशहूर इवेंट्स होते हैं फेसबुक पे और इधर उधर बहुत सारे सोशल मीडिया पे. तो हमने कोशिश की है कि इसको एक बड़े प्लेटफॉर्म पे इन सब प्लेयर्स को, पाकिस्तान के जितने भी टेप बॉल के स्टार्स हैं, इनको अच्छे प्लेटफॉर्म पे लाया जाए और इनकी परफॉर्मेंसेस सारी दुनिया के सामने लाई जाए. इसलिए ये फ्रेंचाइज बनाई है, और जितने भी फ्रेंचाइज के ओनर हैं सबका थैंक यू सो मच. ये आप लोगों की सपोर्ट की वजह से आज हम इधर हैं. आपने ये जो कोशिश की हमारे साथ मिल के पाकिस्तान की क्रिकेट को आबाद करने की, हर जगह रखने की, इसमें आप लोगों की कोशिशों की वजह से आज हम इस प्लेटफॉर्म पर आए हैं, और आज की ड्राफ्टिंग का आगाज़ इसी लम्हे से शुरू करते हैं. और इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा उम्मीद है अल्लाह के घर के इस टूर्नामेंट से पाकिस्तान की क्रिकेट को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा. ये नहीं मैं कह सकता कि हार्ड बॉल और टेप बॉल इज़ द सेम थिंग, बट इज़ अ टोटली डिफरेंट. बट द थिंग इज़ वी नीड ए क्रिकेट इन पाकिस्तान. वो जैसी भी हो, टेप बॉल हो या हार्ड बॉल हो, इसके लिए हमें ज़रूरत है पाकिस्तान में. इसको जितना ज़्यादा कराया जाए उतना ही हमें प्लेयर्स मिलेंगे. मेरी और खलील की यही कोशिश है कि इस टूर्नामेंट्स में बहुत सारे यंगस्टर्स भी हैं, पुराने प्लेयर्स भी हैं, उनके लिए बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है अच्छा परफॉर्म करना, और पाकिस्तान की आने वाली कोई भी क्रिकेट में वो पिक हो सकते हैं, वो अच्छी मार्कफोर्ड चैंपियन लीग के अंदर ये परफॉर्म करे और अच्छे से अच्छी उनको काबिशें मिल सकती है. एक एक सवाल करना चाहूँगा अब्दुलरहमान आपसे. आपको पता है पाकिस्तान के स्टार स्पिनर रहे हैं लेफ्ट आर्म स्पिनर, क्या टेप बॉल क्रिकेट में भी हमें अच्छे स्पिनर मिलेंगे? अभी तक तो नहीं मिले. टेप बॉल क्रिकेट में स्पिनर्स तो खैर नहीं बनता, वो फिंगर्स होती हैं या वो अपनी रिस्क को यूज़ करता है. मैंने भी टेप बॉल में फास्ट बॉलिंग की है और थोड़ा अपनी रिस्क को यूज़ करता था जिसकी वजह से सक्सेस मिलती थी. लेकिन हार्ड बॉल एक टोटली डिफरेंट चीज़ है, इसमें आप स्पिनर्स अलग हैं फास्ट बॉलर्स अलग हैं. तो लेट्स सी कि आज की ड्राफ्टिंग से जितने भी प्लेयर्स हैं, कुछ प्लेयर्स ऐसे भी हैं कि जिनकी ऑनलाइन फॉर्मिंग अभी लेट है, तो वो अभी इस पिकिंग में हो सकता है मिस हो जाए. कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी है डिस्कस करना कि जो कैटेगराइज प्लेयर्स हैं, आपके सामने हर चीज़ टेबल पे है कि आपने जो भी प्लेयर पिक करना है वो आपकी बारी होगी और उसके ऊपर आपने उसको पिक करना है. जो प्लेयर अगर ऑनलाइन मिसिंग है वो आफ्टर दैट आप उसको पिक कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए उसका ऑनलाइन फॉर्म होना, क्रिक लैब्स है हमारी मार्कफोर्ड चैम्पियन की टेक्नोलॉजी पार्टनर है हमारे, उसके अंदर उसका ऑनलाइन फॉर्म आना बहुत ज़रूरी है. सेकेंडली ये थिंक है अगर कोई भी प्लेयर पिक होता है किसी भी टीम के लिए, चाहे कोई भी ऑनर उसको पिक करता है और आफ्टर दैट वो खेलना नहीं चाहता, वो कहता है मैं किसी और टीम से खेलना चाहता हूँ, तो जो हमारे रूल्स हैं वो टूर्नामेंट नहीं खेल सकेगा. चाहे वो कोई भी प्लेयर हो, अगर वो फ्रेंचाइज पिक कर लेगी वो उसी फ्रेंचाइज से खेल सकता है, वो अपनी फ्रेंचाइज चेंज नहीं कर सकता. अगर वो करना चाहेगा वो टूर्नामेंट में नहीं होगा. ये कुछ चीज़ें हैं कि जो बहुत ज़रूरी हैं हम लोगों की आपके साथ डिस्कशन करने के लिए. बाकी कुछ चीज़ें आपको खलील भी इस बारे में ब्रीफ कर देते हैं इंशाल्लाह. थैंक यू अब्दुलरहमान. अस्सलाम वालेकुम सबसे पहले आप तमाम मेहमानों का, और जितने ओनर्स हैं हमारे 8 टीमों के जो ओनर्स हैं
और जितने स्पॉन्सर हैं, इसके बगैर ये इवेंट नामुकम्मल था। और माशाल्लाह से हमारे जो अभी तक जो हमारे टेक्नोलॉजी पार्टनर्स हैं, उन्होंने जो मुझे इन्फॉर्म किया है कि हमारे पास अराउंड तकरीबन 700 के करीब प्लेयर जो हैं वो रजिस्टर्ड हुए हैं, और जिसमें सबसे ज़्यादा क्वांटिटी जो है वो अमर्जिंग प्लेयर्स की है। तो यहाँ से आइडिया लिया जा सकता है कि ये हमारी जो टेप बॉल है, पाकिस्तान में क्रिकेट बहुत सारे तरीक़ों से प्रमोट हो रही है, लेकिन टेप बॉल को फर्स्ट टाइम इतने मॉडर्न तरीके से हम लोग उसको प्रेजेंट करने जा रहे हैं। और मैं वंस अगेन थैंक यू करूँगा मेरे फ्रेंचाइज ओनर्स का, जिन्होंने हम पे ट्रस्ट किया और आज हम लोग यहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। हमारे पास ऑलमोस्ट 120 प्लेयर जो हैं अब इस इवेंट में पार्टिसिपेट करेंगे, 600 में से 120 प्लेयर पार्टिसिपेट करेंगे। उसका जो ड्राफ्ट का जो ग्राफ है वो आपको आपके पास मौजूद है। उसमें जो कुछ अभी एलिमेंट्स आ रहे थे कि हम लोगों की जो अगर डायमंड में जो प्लेयर पिक करते हैं, अगर वो नहीं, हम लोग उसको गोल्ड कैटेगरी में आपकी फ़र्स्ट पिक के ऊपर आप डायमंड के प्लेयर्स को पिक कर सकते हैं, ओनली फर्स्ट, एक फर्स्ट पिक के ऊपर। उसी तरह गोल्ड की जो तीन कैटेगरीज हैं, उसके बाद सिल्वर में आप उसको एक पे पिक कर सकते हैं फर्स्ट पिक के ऊपर। अगली चार जो होंगी वो सिल्वर की ही होंगी जो सिल्वर में प्लेयर्स हैं। ये दैट इज वेरी ट्रिकी एंड आई थिंक इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एज वेल। ये एक पजल है, दिस इज एक पजल, ये एक एक्चुअली गेम है, क्योंकि इसमें हम लोग जितना ट्रांसपेरेंट रहेंगे उतना हमारा क्रिकेट जो है वो अच्छे तरीके से हम लोग उसको प्रमोट कर सकेंगे। सो दैट्स ऑल एंड गुड लक फॉर ऑल द ऑनर्स। और वो मैंने डिस्कस कर दिया है कि इसमें हमारे पास आपने डायमंड कैटेगरी में जो है वो दो प्लेयर पिक करने हैं, गोल्ड में आपके पास तीन प्लेयर की ऑप्शन है, सिल्वर में पांच हैं और अमर्जिंग में दो हैं। आइकॉन आपके साथ ऑलरेडी हैं, जितने भी यहाँ पे नाम हैं 8 आइकॉन्स हैं, और आपके पास 14 प्लेयर्स का स्क्वाड होगा। और जो मार्कोर चैम्पियंस लीग जो है ये खेली जाएगी 6 ओवर्स के ऊपर, इसमें दो बॉलर जो हैं वो दो दो ओवर करेंगे और दो बॉलर जो हैं वो एक एक ओवर करेंगे। लेट्स मिनिमम आप 4 बॉलर जो हैं वो इसमें यूज़ कर सकते हैं। और खलील, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि हम पिछले कई अरसे से देख रहे हैं, और जो आपकी पिछली ट्रॉफी यहाँ पे हुई थी लीग, उसमें मैं कमेंट्री के लिए भी आया था, तो ये बताइएगा कि ये सारा आइडिया आया कहाँ से कि इन क्रिकेटर्स को इकट्ठा किया जाए, इनको फेम दिया जाए, फेम के साथ साथ ये पैसे भी कमाएं, आइडिया कहाँ से आया? देखिए, हम लोगों ने खुद एक लेवल पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया हुआ है, और माशाल्लाह से इनकी भी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। और दैट टाइम अब्दुल रहमान भी एक इवेंट कर रहे थे, फिर हम लोगों ने मिलके सोचा कि हम लोग इस चीज़ को क्यों ना बड़ा किया जाए। तो फिर जब माइंड मिलते हैं, हमारे चेयरमैन हैं वासी साहब जो हैं, उनके साथ फिर हमारी मुशावरत हुई, और फिर हमने मिलके इस चीज़ को फ्रेंचाइज बेस के ऊपर लेके आए, ताकि पाकिस्तान की क्रिकेट को हम लोग इस तरह प्रमोट करें कि वो ग्रास रूट लेवल पे भी अपने बच्चों को जो है उनके माँ बाप मॉनिटर कर सकें। जैसे पाकिस्तान में डिपार्टमेंटल क्रिकेट ख़त्म हुआ था, तो हमारा जो ग्रास रूट था वो उनकी एक्टिविटी जो थी वो किसी और वे में जा रही थी, स्मार्टफोन की वजह से बंदे स्मार्ट हो रहे थे, लेकिन ग्राउंड जो है वो हमारी वीरान हो रही बंदे थी। स्मार्ट नहीं हो रहे, मोटे हो रहे हैं घर बैठ बैठ के। मेरा बहुत बड़ा कंसर्न है ये फिटनेस का। जी अब्दुल रहमान, अभी कुछ बात। सबसे पहले तो उन सब टेस्ट प्लेयर्स का और इंटरनेशनल प्लेयर्स का बहुत शुक्रिया जो इस टेप बॉल क्रिकेट के लिए उन्होंने अपना टाइम निकाला। हमने हर टीम को एक मेंटोर दिया है पाकिस्तान के टेस्ट प्लेयर, जिसमें राणा नवीद है एक टीम के मेंटोर, एक टीम के हैं नदीम अब्बासी रावलपिंडी से, वो भी टेस्ट प्लेयर है, एक टीम को मुजाहिद जमशेद दिए इंटरनेशनल क्रिकेटर, एक टीम को हसन रज़ा पाकिस्तान टीम के यंगस्टर अंडर 16 के यंगस्टर, दुनिया के यंग प्लेयर थे जब इन्होंने डेब्यू किया। उसके बाद रियाज अफरीदी हैं, ये भी माशाल्लाह हमारे टेस्ट प्लेयर हैं, और शहीन शाह अफरीदी के बड़े भाई हैं। और एक टीम है जिसके मेंटोर इमरान नज़ीर हैं, आज वो अपेयरेंस नहीं कर सके, और एक टीम के मेंटोर हैं शाहिद नज़ीर। तो जितने भी ये सारे सीनियर्स क्रिकेटर हैं, इसलिए इन सब के साथ लगाया गया कि जितने अमर्जिंग और जितने यंगस्टर आए, साथ साथ उनको ग्रूम कर सके और इनकी तरबियत हो क्रिकेट आगे फर्दर कैसे खेली जाती है। मेन मकसद ये है क्रिकेट खेलना, और आगे जैसे जैसे बच्चे टेप बॉल खेलते हैं उनको हार्ड बॉल का भी शौक बढ़ता है। तो ये ऐसा प्लेटफॉर्म है कि ये परफॉर्म करेंगे, इनको बहुत सारे लोग विलिंग होंगे आगे खिलाने के लिए। तो ये हर बंदे के लिए वेरी गुड टू प्ले क्रिकेट, जो दुनिया में दिखाई जाएगी जियो सुपर पे, ये दुनिया के पूरी दुनिया में मेरा ख्याल है 50 से 55 ममालिक के अंदर ये चैनल जाता है।
तो इसके लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, ये कहीं भी परफॉर्म करेंगे तो दुनिया में क्रिकेट हो रही है, कहीं भी उनको चांस मिल सकता है। एंड गुड लक एवरीवन जो इसके लिए आए, और थैंक्स अगेन, तो सबके लिए दुआ है कि हमें इस टूर्नामेंट में, इस मारखुर चैंपियन लीग में, अल्लाह हम सबको कामयाबी दे इंशाल्लाह। आमीन आमीन। थैंक यू वेरी मच। काफ़ी हम लोगों ने जो है गुफ्तगु कर ली है, ये आई थिंक जितने भी मेंटोर्स हैं, जितने भी ऑनर्स हैं, उनके लिए तो काफ़ी फ्रूटफुल रही, लेकिन जो बाकी लोग बैठे हैं वो थोड़े ड्राई हो गए होंगे, अब कह रहे होंगे क्या बातें कर रहे हैं। एक्चुअली यहाँ पे क्योंकि क्रिकेट से रिलेटेड गपशप हो रही है तो ड्राई नहीं होंगे। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि हमारे पास कितनी टीम्स हैं, उनके मेंटोर्स कौन हैं, ऑनर्स कौन हैं। सो MCC KPK टाइगर्स को के ऑनर हैं अदील अब्बासी, और इनके आइकन प्लेयर हैं जो टेप बॉल क्रिकेट के जो नाम होते हैं उनके निकनेम्स बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। इनका नाम है तैरी पिंडी, असल में इनका नाम है ताहिर लेकिन इनको तैरी पिंडी कहा जाता है। okay. और इनके जो मेंटोर हैं वो स्टार क्रिकेटर इमरान नज़ीर हैं, और वो आज नहीं आए हुए, नहीं आए के बताया हमें अब्दुल रहमान ने। जो दूसरी टीम है हमारे पास, दैट इज कॉल्ड माउंटेन रोरिंग लाइन्स, और ऑनर हैं इस टीम के सैफुल्ला अब्बासी, और आइकन प्लेयर इनके हैं अली नदीम, मेंटोर है नदीम अब्बासी, आइकन अली नदीम, उनका भी कोई निकनेम होगा, लिखा नहीं हुआ यहाँ पे। ये अली नदीम आई थिंक नदीम अब्बासी के बेटे हैं, और ये फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर हैं नदीम अब्बासी। और इनके साथ साथ हमारी जो थर्ड टीम है इस्माइल 1122 ईगल आइज, इनके जो ऑनर हैं चौधरी मोहसिन, और इनके आइकन हैं चकवाल से इनका ताल्लुक है, खुरम चकवाल इनका नाम है, और इनके मेंटोर हैं फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर रियाज आफरीदी। और रियाज आफरीदी आपका शुक्रिया, आपके घराने ने पाकिस्तान को एक स्टार दिया शाहीन शाफरी। आई एम अ ह्यूज फैन, बता दीजिएगा उन्हें। अगली टीम जो है दैट इज मिशी एक्वा राइजिंग ज़ेब्रास, इनके आइकन प्लेयर हैं शाहजहां मीर, और मेंटोर हैं इनके हसन रजा, और ये इनके ओनर जो हैं वो महमूद ककोत्रा, और ये जो शाहजहां हैं इनका ताल्लुक है इंटीरियर सिंध से, आज हमारे साथ हैं गुडलक शाहजहां। और जो नेक्स्ट टीम है इसमें स्पोर्ट्स कास्टर, और इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो इन टीम के ओनर्स हैं वो सिर्फ पाकिस्तान से नहीं हैं, वो पूरी दुनिया से हैं। और इस टीम के जो ओनर हैं डॉक्टर जगमोना विरोजा, आज वो यहाँ पर नहीं हैं, उनकी जगह यहाँ पर बाबर आदिल खान जो हैं वो बंदारा जो उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इस टीम का जो पूरा नाम है स्पोर्ट्स कास्टर वेलिंगटन फ्लोरिडा जैगवर्स, इसके आइकन हैं छोटा विक्की, जिस तरह मैंने कहा कि इसमें इंटरेस्टिंग नेम होते हैं। और इनके मेंटोर जो हैं वो इंटरनेशनल क्रिकेटर मुजाहिद जमशेद हमारे साथ हैं, थैंक यू वेरी मच। अगली टीम जो हमारे पास है दैट इज कॉल्ड मार्शल फैंस एंड रफीक सन्स चार्जिंग लेपर्ड्स, इस टीम के ऑनर हैं मोहम्मद यासीन साहब, और आइकन प्लेयर इनके हैं जहीर कालिया। जहीर, मैंने आपका नाम बहुत सुना है बिकॉज आई रिकॉर्डेड द शो विद दीज गाइज, और हर कोई आके आपके बारे में बात कर रहा होता था। मेंटोर इनके हैं राणा रमीदुल हसन, और जहीर कालिया भी फास्ट बॉलर हैं, इनके मेंटर भी जो हैं वो फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर फास्ट बॉलर हैं, और लगता है कि कोई इनको रिवर्स स्विंग भी सिखाएंगे। और जो हमारी नेक्स्ट टीम है वो है बगवाल अवान सियालकोट स्ट्राइकिंग पैंथर्स, इनके ओनर हैं अली मलिक, और इनके जो आइकन हैं तैमूर मिर्ज़ा, और इनके मेंटोर हैं शबीर अहमद फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद नहीं हैं। ठीक है जी, हमारी अगली और लास्ट टीम जो है दैट इज रेसिंग बुल्स डिफेंस सिटी हाउसिंग सोसाइटी फैसलाबाद, ऑनर इस टीम के हैं बिलाल शेख, आइकन प्लेयर इनके हैं फहद मियाँ चन्नू, जो कि दिख रहा है कि मियाँ चन्नू से होंगे, और मेंटोर इनके हैं शाहिद नज़ीर फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर। और जैसा आप कह रही थी कि शायद माहौल जो है वो थोड़ा सा सुस्त सा हो गया है, पीछे वाले लोग सो ना जाएं। सो अब आप देखेंगे मारखुर चैंपियंस लीग का जो ऑफिशियल सॉन्ग है लेट्स प्ले एंड लेट्स हियर आउट।
अनवीलिंग सेरेमनी पहले हमने करनी है, मैं अनवीलिंग के लिए रुकूं वहाँ पे, फिर बाद में मैं वापस आ जाऊँ। ठीक है, ओके। जोरदार जरा तालियां तो हो जाएं। लगता है आप लोगों को सॉन्ग पसंद नहीं आया, तालियों की आवाज नहीं आई मुझे। यार आप लोग अभी थक गए, अभी तो शुरुआत है, मुश्किल मराहिल तो अभी आने हैं। हमारे डाइस कहाँ चला गया? हम डाइस के बगैर हाँ जी, ओके। सो इसमें आप किसी गेस्ट को इंट्रोड्यूस करवाना चाह रही हैं? बिल्कुल, हमारे पास ऑनरेबल गेस्ट हैं इस वक्त, उनको मैं दावत देना चाहूंगी स्टेज पे। सरदार आजम रशीद साहब जो कि एक्स मिनिस्टर हैं, मशीर वजीर आला पंजाब हैं और मुख्तलिफ टास्क फोर्सेस के चेयरमैन रहे हैं। आपका जो ख़ानदान है उसका ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान मूवमेंट के साथ भी रहा है, और इसके अलावा MRF ग्रुप के चेयरमैन हैं। आपने PHA, TEPTA और NEPTEC जैसे दायरे बनाए हैं, तो मैं उनको दावत देना चाहूँगी, प्लीज़ अगर आप स्टेज पे आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? थोड़ा सा कैसा लग रहा है आपको ये इतनी खूबसूरत शाम? और इट्स लाइक अ हिस्ट्री के टेप बॉल में कभी इस तरह से किसी ने ऑक्शन नहीं देखी होगी, इस तरह की शाम शायद नहीं देखी होगी। एक मिनट कोई बात नहीं है, ऐसे छोटे छोटे मसाइल हो जाते हैं। आवाज़ आ रही है? जी, थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा। अच्छा, मैं सबसे पहले तो खलील साहब, अब्दुलरहमान साहब, स्पॉन्सर्स और हमारे बिजनेस एलीट्स जो यहाँ बैठे हुए हैं, और उसके अलावा जितने प्लेयर्स हैं क्रिकेट के और पाकिस्तान के जितने प्लेयर्स क्रिकेट खेल चुके हैं और जो आ रहे हैं, और दीगर ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम अलैकुम कहना चाहता हूँ। वालेकुम सलाम। और मुझे फंक्शंस में जाने का मौका मिलता रहता है, रोज़ ही जाते हैं, लेकिन यहाँ आने के लिए एक बहुत अहम मकसद था, और वो मकसद ये था कि हमारी ज़िंदगियाँ जो आजकल हैं वो सारी ज़िंदगियों में कैपिटलिज्म और सरमायादारा निज़ाम के साथ साथ, खलील भाई, हम ने बहुत ज़्यादा पैसे के सिलसिले में अपनी ज़िंदगी को मोल्ड किया हुआ है, और जो ज़िंदगी का असल मकसद है, और जो वो मकसद है वो ये है कि आपने पैसा कमाने के साथ साथ, कारोबार करने के साथ साथ अपनी सेहत का कितना ख्याल रखना है, उससे हम बिल्कुल निगलेक्टेड फील करते हैं और अपनी ज़िंदगी में सेहत के एलिमेंट को बिल्कुल फारिग कर दिया, जो कि मेरे ख्याल में सबसे अहम एलिमेंट है। और सबसे ज़रूरी ये है कि अगर आपके पास इन्फ्लुएंसी आ जाती है, आप पैसे के लिहाज से अमीर आदमी बन जाते हैं, तो आप उसके साथ अपनी सेहत को भी इंजॉय कर सकें। इसके लिए आपके जो माइंडसेट है उसका होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, कि हमें अपने माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा और हमें ये सोचना पड़ेगा, और मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि सोचना शुरू कर दें कि सिर्फ वही बच्चा आपका लायक नहीं है जो कि एकेडमिक्स में अच्छे नंबर लेता है, वो बच्चा भी उतना ही लायक है जो स्पोर्ट्स में अच्छी एक्टिविटीज़ के साथ ज़िंदगी गुजार रहा है और अपनी हेल्दी ज़िंदगी गुजार रहा है। तो आजकल के ज़माने में जितने भी अमीर लोग हैं जिनसे मेरी मुलाकात बहुत रहती है, वो सब बीमार भी रहते हैं, तो मैं उनसे यही पूछता हूँ कि आप अमीर तो बन गए हैं तो उतने बीमार क्यों हो गए? तो वो यही कहते हैं कि जी हमें नहीं पता, हम बहुत ज़्यादा लग्जरी ऑफ लाइफ में चले गए, हमने जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं उनको इस तरीके से अपनी ज़िंदगी में ले लिया है कि फ़िज़िकल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स हमारे अंदर से गुजर ख़त्म हो चुकी है। तो ये बड़े इम्पॉर्टेंट इवेंट है, ये कुछ छोटा इवेंट नहीं है, बेशक ये आपको लग रहा है छोटा इवेंट, इसी तरीके से बड़ी टीम्स बनती हैं, इसी तरीके से बिज़नेस कम्यूनिटी उसको पैटर्नाइज करती है। तो इस वजह से मेरी ये आपसे गुजारिश है कि एक तो अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें,
और ये जो सुबह शाम और रात को सिर्फ एक ही सिलसिले में हमने अपनी ज़िंदगी को मोल्ड किया हुआ है कि हमने अपने आप को फाइनेंशियली कैसे साउंड करना है, उसमें से निकलिए, अपनी ज़िंदगी में से स्पोर्ट्स को लेके आए, अपनी ज़िंदगी को हेल्दी बनाएं। जब आप हेल्दी होंगे तो उस फ्लुएंसी और उस अमीरत से आप फ़ायदा उठा सकेंगे। दूसरी बात यह है कि मैं ये बताना चाहता हूँ कि अब ये जितनी बिज़नेस कम्युनिटी है इनको ये चाहिए कि अपने बजट जो हैं उसमें से 25% ज़रूर स्पोर्ट्स के लिए मुख्तस करें। और हम इसका आज मैं ये भी ऐलान करना चाहता हूँ, जो हमारा ग्रुप है वो आज के बाद 25% स्पोर्ट्स के लिए मुख्तस करेगा, और इसकी वजह से करेगा कि आप लोगों को इनक्रेजमेंट मिले। तो मैं इसके साथ आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ ऑर्गेनाइजर्स का कि उन्होंने आज मधु किया, और मेरा ये मैसेज जो है ये अपनी फैमिलीज़ को जाके दीजिए, ये मैसेज जो है अपने दोस्तों को जाके दीजिए, और अपने रहने वाले जो आपके इर्द गिर्द के लोग हैं उनको दीजिए कि लेट्स स्टार्ट अ न्यू लाइफ, स्पोर्ट्स को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहता हूं, और ये मैं दुआ करता हूं कि खुदा ताला आप लोगों को और इनक्रेज करे, और खुदा ताला आपको और हिम्मत और हौसला दे कि आप इस जैसी एक्टिविटीज़ को आगे बढ़ाएँ और अपनी ज़िंदगी को चेंज करें और एक हेल्दी ज़िंदगी गुजारें। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। और अभी आपको इजाज़त नहीं मिलेगी क्योंकि अभी आप ट्रॉफी अनवेल करेंगे जो सीईओ और डायरेक्टर हैं मोहम्मद खलील और अब्दुल रहमान के साथ। मैं दोनों से गुजारिश करूंगा कि वो आपके साथ अनवेलिंग की जो सेमनी है आप यहाँ रुकिएगा, और क्योंकि सबको ही ट्रॉफी देखने का इंतजार है, वो ट्रॉफी जिसके लिए 8 टीम्स जो हैं 5 दिन मुसलसल एक जगह जंग करेंगी। तो ट्रॉफी मेरे ख्याल में वो यू नो एक वो भी एक क्या कह सकते हैं आपके आपके लिए वो इनकरेजमेंट होती है, इंस्पिरेशन हो सकती है ना कि हाँ बड़ी प्यारी है ये चाहिए हमें। और बिल्कुल जब भी आप ट्रॉफी की बात करते हैं तो पाकिस्तान टीम ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती है, T20 वर्ल्ड कप जीता है, हम वर्ल्ड कप जीते हैं, ये सारे जो होते हैं ये फिर आपकी यादें बन जाती हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और अब कुछ ही देर में अभी यहाँ पर ट्रॉफी की अनवेल करने की सेमनी होगी। सर अब आपसे टाइम अभी है हमारे पास, ये बताइएगा आप खुद भी क्रिकेट खेलते थे? जी हाँ, मैं तो एक स्पोर्ट्समैन था लकीली, और बीइंग फ्रॉम द फ्यूडल बैकग्राउंड तो हमें जो था वो स्पोर्ट्स से कुछ ज़्यादा दिलचस्पी नहीं होती थी, और मैं एक शायद उस ख़ानदान में अकेला था जो कि हमेशा ज़िंदगी में जो प्रायोरिटी रही वो स्पोर्ट्स रही। और आप हैरान होंगे कि मैं अब 61 इयर्स का हूँ। आप लगते नहीं, आप जवान लगते। उसकी वजह सिर्फ इतनी सी है कि ज़िंदगी में फिज़िकल एक्टिविटी को उतनी ही इम्पोर्टेंस दी जितनी कि दूसरी ज़िंदगी है। और आज की ख़वातीन के लिए ख़ासतौर पर बहुत अहम चीज़ जो है, क्योंकि जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होती है किसी भी घराने की वो औरत होती है। अब औरत जो है, आपने बातों बातों में बहुत बड़ा पैगाम दे दिया ये। ये मक्खन लग गया उधर, जहाँ बात पहुँचनी थी पहुँच गई है। वो जो है अब उसमें ख़वातीन के लिए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ गई है कि उन्होंने फिज़िकल एक्टिविटी को छोड़ दिया, क्योंकि अफ्लुएंसी की वजह से मुलाजमीन बहुत आ गए हैं घरों में, उस वजह से जो लाइफ स्टाइल एयर कंडीशनिंग बहुत आ गई है, तो उनकी फिज़िकल एक्टिविटी मर्दों से बहुत कम हो गई, और इसी वजह से ओबेसिटी की, मोटापे की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ख्वातीन को है। वो क्यों है कि उन्होंने फिजिकल एक्टिविटी को कम कर दिया। ऐसा ही है, और हमारे साथ फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर राणा नवीदुल हसन, हसन रजा, रियाज आफरीदी और इंटरनेशनल क्रिकेटर जमशेद साहब यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये जो सितारे हैं ये भी गली मोहल्ले से इन्होंने क्रिकेट को स्टार्ट किया होगा, और फिर ये पाकिस्तान सर्व किया, इन लोगों के लिए आपका क्या मैसेज है? देखिए, ये नवीद साहब और जितने दीगर लोग हैं इनको आप छोटे आदमी मत समझिए। यहाँ से गली से निकलकर इस जगह पर पहुँचना पाकिस्तान के सेटअप में बहुत मुश्किल है, और ये वो रियल स्टार्स हैं। ये सिर्फ हम पॉलिटिकल स्टार्स के लिए हम 24 घंटे मीडिया पर लेके आते हैं। मैंने तो प्राइम मिनिस्टर साहब से भी ये रिक्वेस्ट की थी कि क्यों ना हम मुख्तस कर दें 25-30% टाइम हर टीवी चैनल का ओनली फॉर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़। सो उसकी वजह से ये होगा कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं,
जो मेजर स्पॉन्सर्स हैं जो कि एडवर्टाइज करते हैं वो भी इसके लिए इनकरेजमेंट हो जाएगी और वो इनको स्पॉन्सर करेंगे। सो ये ऑन द गवर्नमेंट साइड भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप टेलीविज़न का टाइम और दूसरा फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में लिख दिया जाए कि आपके टैक्सेशन में हर कॉर्पोरेट कंसर्न, मिनी कंसर्न और एसएमई, ये तीनों जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं अपने बजट का एक हिस्सा मुख्तस कर देंगी फॉर डिफरेंट स्पोर्ट्स एक्टिविटीज। ये तो बहुत अच्छी बात आपने की। और वैसे जिस तरह आपको पता है कि पाकिस्तान और इंडिया का जब भी टाकरा होता है और होता रहा है, इसको हम इंजॉय करते थे। तो आपको वो मैच याद है, राणा नवीदुल हसन की तवज्जो शायद अभी हमारी तरफ नहीं है, जिसमें वीरेंद्र सहवाग बहुत कुटाई लगा रहे थे पाकिस्तान को और आउट नहीं हो रहे थे, लेकिन राणा नवीदुल हसन को उन्होंने कंसेक्यूटिव छक्के लगाए, इसमें अगर आपको याद होगा, लेकिन राणा नवीदुल हसन ने उनको बोल्ड भी किया। वो कोई मैच आपको याद है या नहीं? मुझे वो नहीं याद। यू रिमेम्बर दैट? पाकिस्तान में मैच हो रहा था। अच्छा, कदाफी स्टेडियम में? ये मुल्तान का मैच है। राणा नवीदुल हसन की तवज्जो क्योंकि यहाँ पर नहीं है, तो मैं ये कह रहा था कि वीरेंद्र सहवाग आपको छक्के लगा रहे थे, आपने उनको क्लीन बोल्ड भी किया था स्लो डिलीवरी पे। डू यू रिमेम्बर दैट? उनको कैसे भूल सकता है? वो तो नहीं भूल सकते अगर आप नहीं भूले हैं तो। मुझे तो इसलिए याद है क्योंकि मैं उस वक्त बॉल पिकर होता था और कोशिश होती थी जैसे ही राणा साहब जो है बॉल करके, बॉलिंग करके, आसिफ मुझे लगता है टाइम हमारे पास क्योंकि थोड़ा कम है, बातें तो बहुत सारी हैं, वो तो ख़त्म नहीं होंगी, क्रिकेट से हमारी इतनी खूबसूरत यादें जो हैं वो जुड़ी हुई हैं। मुझे लगता है हमें बुलाना चाहिए अब्दुल रहमान को स्टेज पे। जी जी बिल्कुल। डायरेक्टर हैं चैंपियंस लीग के, मारखोर चैंपियंस लीग और